सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई खरपतवार से होने वाले नुकसान और उनसे कैसे बचा जा सकता है। जब भी हम किसी भी फसल या बागवानी या जो बाग लगा रखे हमने, हम पौधे के आसपास खाद डालते हैं और जब भी हम पानी लगाते हैं तो उस खाद को पूरी तरह से खरपतवार रिजर्व कर लेती है, यानी कि पौधे को वो खुराक नहीं लग पाती। जो न्यूट्रेंट हमने खाद के माध्यम से पौधे के लिए दिए थे वो टोटली खरपतवार अपने अंदर ले लेती है। और उसका रिजल्ट क्या होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे साइड की ज़मीन है, साइड की ज़मीन में छोटी मात्रा में खरपतवार है, लेकिन जैसे ही पौधे के पास जैसे ही हमने खाद डाल रखा है, गोबर खाद और इसके अंदर काफ़ी कई तरह के न्यूट्रेंट मिला के, तो वो टोटली सारा सारा ये खरपतवार अपने अंदर ले रहा है। इससे किसान को कई तरह के नुकसान होते हैं। पहला नुकसान क्या होता है, जो भी हम अपने पौधे के लिए जो न्यूट्रेंट देना चाहते हैं वो हमारे पौधे को नहीं मिल पाता, ये खरपतवार को मिल जाता है। दूसरा नुकसान क्या होता है, ये जो पानी की हम पानी लगाते हैं और ज़मीन के अंदर जो नमी बरकरार हम रखना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो उसको नहीं रखने देता ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा खरपतवार होगा उतना नमी को बहुत जल्दी सोखेगा। फिर इसके बाद तीसरा नुकसान होता है, वो नुकसान जो खरपतवार होता है, खरपतवार में कई तरह के कीट होते हैं और वे कीट हमारी फसल को या हमारे पौधे को नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा खरपतवार हमारी पैदावार रोकने में बहुत ज़बरदस्त काम करता है, तो पैदावार को बढ़ाइए, खरपतवार को अपने खेत के अंदर किसी भी समय ना उगने दें। अगर खरपतवार, जैसे हमने ये अपना एरिया उस साइड का देखिए, वो हमने बिल्कुल साफ कर रखा था, पहले टाइम नहीं लग पाया तो हम सोच रहे थे बिल्कुल ये छोटा छोटा था खरपतवारी साइड पे, मगर पानी लगाने के बाद फिर इसको निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पानी लगाया इसने एकदम से अपना पूरा भयंकर रूप धारण शुरू कर दिया। कितनी ज़बरदस्त जो पावर खाद की थी वो सारी पावर को ये अपने अंदर रिजर्व करने लग गया। तो अभी हम इसको निकाल रहे हैं, तो आप भी निकालते रहिए, समय समय पर खरपतवार को किसी भी तरह से ना उगने दें। खरपतवार अगर आप साफ रखेंगे तो आपका पौधा अच्छी तरह ग्रोथ भी करेगा और बीमारियों से, जो खरपतवार के अंदर कई तरह के कीट होते हैं, उससे भी आपकी फसल का या अपने आपके पौधे का बचाव होता रहेगा। जैसे अभी देखिए इसके अंदर से हमने बिल्कुल खरपतवार को निकाल दिया है। निकालने के बाद इसकी हल्की हल्की आप नलाई गुड़ाई कर दे, पौधे के पास एक गहरी नलाई गुड़ाई ना करें जब छोटा पौधा होता है, क्योंकि गहरी आप नलाई गुड़ाई करेंगे तो हमारी जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वे डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इस तरह से आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। खरपतवार को समय समय पर निकालते रहें, समय समय पर हल्की नलाई गुड़ाई करते रहें, समय समय पर अपने पौधे को खाद देते रहें,
तो धन्यवाद दोस्तों। और किसी भी बाइक को एप्पल बेर, अमरूद, बारामासी, कागजी लेमन, अन्य फ्रूट प्लांट की रिक्वायरमेंट है किसी बाइक की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा नंबर है 9896484919, 98 96 48 49 19। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।